धरमपुर खाते रूपया 200 करोड़ खर्चे निर्माण थे 250 बेड मल्टी स्पेशलिटी श्रीमद राजचंद्र होस्पिटल वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी हस्ते वर्चुअली उद्घाटन कर प्रसंगे वडाप्रधाने जणाव्युं के श्रीमद राजचंद्र होस्पिटले मुख सेवक जेम समाज सेवा बीज वाव्या त्याचे वटवृक्ष बन्या छे। वलसाड जिल्लाना धरमपुरमां मल्टी स्पेशलिटी होस्पिटलना लोकार्पणनी साथे एनिमल होस्पिटल अने सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर विमेननुं शिलान्यास पण करवामां आव्युं छे, जेनाथी दक्षिण गुजरातना आदिवासीओने लाभ थशे। जिसके गुणधर्म, जिसके कर्तव्य जीवित रहते हैं, वो जीवित रहना है, अमर रहना है। जिसके कर्म अमर होते हैं, उनकी ऊर्जा और प्रेरणा पीढ़ियों तक समाज की सेवा करते रहे। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर का आज का ये कार्यक्रम इसी सार्थक भावना का प्रतीक है। इस महान भूमि में, इस पुण्य भूमि में हमें जितना मिला उसका एक अंश भी हम समाज को वापस लौटाने का प्रयास करते हैं तो समाज में और तेजी से बदलाव आता है। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में शिव राजचंद्र मिशन गुजरात में ग्रामीण आरोग्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य की सेवा की प्रतिबद्धता इस नए अस्पताल से और मजबूत होगी। ये अस्पताल और रिसर्च सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं देने जा रहा है, उत्तम इलाज को सभी के लिए सुलभ कर रहा है। ग्रामीणों, गरीबों, आदिवासियों, विशेष रूप से दक्षिण गुजरात के साथियों को, हमारी माताओं बहनों को बहुत लाभ होगा। इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं राकेश जी को, इस पूरे मिशन को, आपके सभी भक्तजनों को, सेवाव्रतियों को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। और आज जारी मारी सामे धर्मपुर में वो विशाल जनसागर देखा तो हो, मने मन में हतो के आज मने राकेश जी ना घना बधी बातों सांभळवा मळशे, पण एमणे बहु टूंक में पतावी दीधु। अने एमणे रणछोड़दास मोदी जी ने याद कर्या। हूँ आ क्षेत्र साथे खूब परिचित रह्यो छूं, वर्षो पहला तमारा बधाई वच्चे रह्यो, क्यारेक धरमपुर तो क्यारेक सिदुंबर आप सौनी वच्चे रहेतो हतो। अने आजे आटलो मोटो विकासनो फलक जोऊं अने त्याना लोकोने आटलो बधो, अने मने आनंद ए वातनो थाय के छेक मुंबई थी लोको अहीं आवीने सेवामां जोड़ाता होय छे। गुजरातना खूणे खूणे थी लोको आवीने जोड़ाता होय छे, विदेशोमांथी आवीने जोड़ाता होय छे। एटले श्रीमद राजचंद्र जीए एक मुख सेवकनी जेम जे समाज भक्तिना बीज वाव्या था, आजे केवा वटवृक्ष बनी रहा है ये आपणे अनुभवी शकीए छे। साथियों, श्रीमद राजचंद्र मिशन से मेरा पुराना नाता रहा है।
मैंने आपके समाज कार्यों को इतनी नजदीकी से देखा है कि जब ये नाम सुनता हूं तो मन आप सभी के प्रति सम्मान से भर जाता है। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें